तो मेरे दोस्त आज के दिन की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत ठंडे ठंडे पहाड़ों में। अभी हम सोनप्रयाग में ही हैं और भाई सुबह सुबह ना मैं नहाने के लिए आया हूँ अपने कपड़े शपड़े लेके। और भाई नहाने के लिए बता कहाँ पे आया हूँ, ये सामने दिख रही है ना ये भाई मंदाकिनी रिवर। राम तेरी गंगा वाली मूवी देखी है ना उसमें इसका जिक्र हुआ है। पर भाई पानी ना ये बर्फ वाला पानी अभी पिघल के आ रहा है, पर नीचे वाली साइड जाने में समस्या पता क्या है, लोगों ने ना खुले में शौच करा हुआ है, इतनी गंदी कर दी है ना ये वाली रिवर, माँ कसम आप ना क्या बताऊँ यार छोड़ो। फिर मेरे को ना यहाँ पे एक नल दिखा है पर ये भी भाई बर्फ वाला पानी है, मतलब बर्फ वाला पानी ना पिघल के आ रहा है भाई, इतना ठंडा है ना 2 मिनट ऐसे पकड़ूंगा ना हाथ पूरा काला हो जाएगा, मतलब जितनी भी वेन्स है ना नाड़ियाँ ना सारी जमना फ्रीज होना शुरू हो जाएगी भाई, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है। फिर आप सोचोगे तू नहा क्यों रहा है, भाई नहाएंगे नहीं ना तो पूरा दिन ऐसे सुस्ती पड़ी रहेगी, नहाना भी ज़रूरी है। तो चलो मेरे दोस्त मैं ना नहा के मिलता हूँ, फिर आपको ना एक मस्त वाली चीज़ दिखाता हूँ। देखो मेरे दोस्त कभी कभी ना वीडियो बनाने के लिए कोई शांत वाली जगह चाहिए, यहाँ पे नॉइज ना हो शोर ना हो, उसके लिए ना काफी ज्यादा भटकना पड़ता है जैसे अभी मेरे को आना पड़ा। सारा आपको डिटेल में बताता हूँ, पहले वीडियो शुरू कर देते हैं। तो हेलो इंडिया सुप्रभात की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया है। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सोनप्रयाग से आज बाबा केदारनाथ जी की डोली फाटा से गोरीगुंड पहुंचने वाली है, शाम को यहाँ पे पहुंचने वाली है। एंड मैं ना भाई ठंडे पानी से नहाया हूँ, क्या मतलब सुर घुल गए सारे के सारे, नहाया पता कहाँ पे हो, यहाँ पे पता नहीं चल रहा, आपको बड़ी शांति लग रही है पर ये टीना के आगे ना भाई बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना इसे। मैं वहाँ पे नहाने के लिए गया था भाई, पर अभी ना यहाँ पे बाबा केदारनाथ जी की डोली ना शाम को यहाँ पे पहुंचने वाली है, तब तक मैंने सोचा क्यों ना भाई, यहाँ पे भगवान शिव की शादी हुई थी ना, आपको पता है ना त्रियुगी नारायण यहाँ पे एक मंदिर है, जब से भगवान शिव की शादी हुई है ना, ध्यान से सुनना भाई, जब से भगवान शिव की शादी हुई है ना, कौन से युग में हुई है मेरे को अभी याद नहीं है प्रॉपर, मतलब तब से ना वहाँ पे जो भगवान शिव ने 7 फेरे लिए है ना अग्निकुंड में, तब से लेके आज तक उस अग्निकुंड में आग जल रही है, ध्यान से सुना ना। तो वहीं पे हम जाने वाले हैं, बट आसपास ही है पर अभी मेरे को पता नहीं है कि है कहाँ पे है। इतना मेरे को बताया कि किसी ने कि इस वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना इन्हीं के ऊपर है कहीं पे। तो अर्श भाई को पहले मैंने पूछा, अर्श भाई भी जा सकता था, अर्श भाई गया है पहले, जा सकता था क्या बोल रहा हूँ, अर्श भाई पहले जा रखा है तो वो अभी ना सो रहा है, तो उसे डिस्टर्ब करना मतलब लड़ाई लेने के बराबर ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अकेले निकल जाता हूँ उससे ना, जब तक बाबा केदारनाथ जी की डोली यहाँ पे पहुंचेगी तब तक मैं दर्शन करके वापस भी आ जाऊँगा। और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दर्शन करवाए जाए इससे, है ना। तो ठीक है मेरे दोस्त आज का दिन शुरू करते हैं, लेकिन कान्हा जी का नाम जाओ कान्हा जी। वो देखो भाई नीचे वाली साइड मैंने बोला ना बहुत ज्यादा शोर है, ट्रैफिक हॉर्न लोग चल रहे हैं, इसलिए मैं ना कितना घूम के पूरा ऊपर घूम के ना राउंड राउंड बिल्कुल ऊपर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, शांति से वीडियो बना पाऊँ। भाई लोग यात्रा अभी चली भी नहीं है, यहाँ पे ना इतनी ज्यादा ट्रैफिक इतना ज्यादा क्राउड हो चुका है ना भाई, परसों क्या हाल होगा जब यात्रा चलेगी। और अभी ना मेरे को पता नहीं चला कि त्रियुगी नारायण जाने का रास्ता कौन सा है भाई, पुलिस वाले को पूछता हूँ, बट वो पहले बेचारे इतनी ज्यादा बिजी है। भाई लोग पहले ना मेरे को लग रहा था 3-4 किलोमीटर होगा मैं पैदल ही चला जाऊंगा, अभी मैंने गूगल करा 15 किलोमीटर है। और अभी ना वहाँ पे टैक्सी जाती है 11 बजे जाती है शेयरिंग वाली, 1 बजे जाती है शेयरिंग वाली टैक्सी, बट उसका वापस आने का टाइम नहीं है क्योंकि गांव वाले जाएंगे फिर वो भर के वापस आएगी फिर जाके वापस आनी है, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे पर्सनल टैक्सी भी हायर होती है पर उसके लिए मेरे से 2400 रुपया मांग रहे हैं, बोले अगर तू अकेला जाएगा 1500 रुपया, अगर तेरे साथ 3-4 लोग और जाएंगे तो फिर आप शेयरिंग कर सकते हो। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ अर्श भाई के पास, मतलब 3-4 बंदों को राजी करता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे भाई, समय नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूं भाई। चलो देखता हूं मैं कोई बाइक अरेंज करता हूं, सही है ना, चलो देखते हैं। काफी ज्यादा अपने सब्सक्राइबर भाई लोग आ रखे हैं, उन्हीं को अपने साथ लेके चलता हूं, जा उन्हीं को भी दर्शन करवा देता हूं, सही है ना। चलो भाई भाई अभी ना मैंने काफी ज्यादा ट्राई करा यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने 7 फेरे लिए थे ना त्रियुगी नारायण मंदिर वहां जाने के लिए, बट कोई भी काम बन ही नहीं रहा। वैसे मेरे यहाँ पे ना 3-4 दोस्त भी हैं जो कि स्कूटी लेके आए हैं, पर दिक्कत पता क्या है, स्कूटी यहाँ पे लगी हुई है, वो रात के निकल चुके हैं भाई ऊपर दाम की ओर। वैसे यहाँ पे कल हमें पुलिस वालों ने रोका था ना, वो मेरे दोस्त रात को चले गए होंगे 10-12 बजे, और सुबह 4 बजे पुलिस थोड़ी बहुत आगे पीछे हटी होगी, वो निकल गए भाई रात को ही और हम गए नहीं। चलो यार इतनी ज्यादा क्यों ऐसे,
आगे पीछे भटकना है, वैसे भी आज यात्रा खुल जानी है, मतलब भगवान भोलेनाथ जी की डोली अब यहाँ पे पहुंचेगी ना गौरीकुंड में, फिर यात्रा खुल जानी है, फिर हम मई से जा सकते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करना। से भाई लोग डोली यहाँ पे पहुंचने से पहले ना सारे काम पूरे हो चुके हैं। जब मैं आया था ना 2 दिन पहले, उस टाइम ना यहाँ पे साइड पे टाइलें लगी भी नहीं थी, अभी चेकआउट करो पूरी टाइलें शाइलें लग के पूरी तैयारी हो चुकी है, पुलिस वाले भी एक्टिव हो चुके हैं हर जगह, मतलब कोई गाड़ी खड़ी भी नहीं होने दे रहे। और भाई ये घोड़े दिख रहे हैं ना गाड़ियों में ना बड़े बड़े जा रहे हैं ऊपर के लिए, इनमें से ना कुछ वापिस आएंगे, और 6 महीने माँ कसम इनके ऊपर यार इनकी बुरी हालत हो गई है ना। वैसे कर्मा ही है, इन्होंने भी कुछ ऐसा करा होगा जो इन्हें घोड़े बन के वापिस पे करना पड़ रहा है, और इसके ना 50% जिम्मेदार हम भी है क्योंकि हम ही इनके ऊपर चढ़ के जाते हैं ना। चलो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे भाई घोड़े के ऊपर भी जाने वाले हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। एंड भाई दिख रहा है ना 2 दिन पहले जब मैं आया था ना बिल्कुल खाली था, और अभी चेकआउट करो हर तरफ ना ऐसे श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है भाई पूरा पूरा। भाई दुनिया ना ऋषिकेश से चल के ना यहाँ पे पहुंच चुकी है, दिख रहा है ना हर जगह चहल पहल, सुबह 5 बजे से होना शुरू हो चुकी है, पर मेरे दोस्त अभी भी भाई टेंट में घुसे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मतलब अभी तक नहाया भी नहीं होगा उन्होंने, यहाँ पे घुसे हुए हैं। वैसे ये ना सारी बुक हो रखी हैं गवर्नमेंट की हैं, पर ए वाली ना एक खाली है, और यहाँ पे इन्होंने टेंट लगाया हुआ था, मैं तो डोरमेट्री में रुकता हूँ ना क्योंकि मेरे पास ना स्लीपिंग टेंट नहीं है। और ये चेकआउट करो अभी तक टेंट लगे हुए हैं और दोस्त मेरे अंदर ही घुसे हुए हैं, नहीं अभी उठ के गए हैं, चप्पलें थी यहाँ पे लगा के चले गए हैं, मतलब यहाँ पे रात को भाई 5-6 टेंट थे, आधे तो रात को ही निकल गए। और वो वाला मेरा बैग है बाहर ही पड़ा हुआ है, ले जाए कोई कोई टेंशन नहीं है, कुछ है ही नहीं है कुछ भी, गीले कच्चे है सुखाता रहेगा कोई। भाई अभी ना बाबा श्री केदार की डोली ना सोनप्रयाग पहुंच चुकी है, और मैं ना पहले पता क्यों आया आगे गौरीकुंड, मैंने सोचा पहले ना अपना बैग छोड़ के ना फिर से वापस आऊंगा, फिर डोली के साथ चलूंगा 1 किलोमीटर, क्योंकि अगर मैं बैग उठा के चलूंगा ना डोली वाले बहुत ज्यादा स्पीड में चलते हैं, उनके साथ चलने का समर्थ मुझ में नहीं है, तो इसलिए मैं ना पहले वाले आया हूँ बैग छोड़ने के लिए। और जो देखो भाई अंकल लोग ना कितना ज्यादा गैस घास उठा के लेके जा रहे हैं, गैस बोले जा रहा हूँ। और अभी ना आपको ज्यादातर लोग ना सामान उठाते हुए नजर आ रहे होंगे क्योंकि अभी ना ऊपर सेटलमेंट चल रही है, जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं मतलब छोटी छोटी दुकानें रहती है ना सारे यहाँ पे सामान ना अभी मंगवा रहे हैं ऊपर के लिए, और कुछ यहाँ से सामान पूरा ऊपर तक लेके जा रहे हैं 28 किलोमीटर, जो सिलेंडर हो गए बहुत सारा सामान होता है, कुछ यहाँ से आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब जा ऊपर ही रहा है सारा सामान, दिख रहे ना सारे ट्रक भरे हुए हैं। कल मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे आंटी लोग कितना ज्यादा काम करते हैं भाई, मान गया सच्ची भाई आंटी लोग पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, दिख रहा है ना अभी भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। और ये सारा सामान भाई घोड़ों के ऊपर बंदे उठा के लेके जा रहे हैं, सारा ऊपर जा रहा है बाबा जी के धाम में, यहाँ से 25 से 28 किलोमीटर है। मैं 25 से 28 किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ पता है, जब वहां पे खाना खाओगे ना लंगर में वेस्ट मत करना भाई, फिर आपको पता चलेगा कितने सारे घोड़ों इंसानों ने उठा के लेके गए हैं ऊपर सारे। भाई अभी ना मैंने अपना बैग ना एक सब्सक्राइबर जी के टेंट में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना इतने सारे टेंट लगे हुए हैं, उनमें से एक मेरा सब्सक्राइबर जी थे, मैं टेंट उनके पास रख दिया, तो अभी चलते हैं वापस भाई डोली को ज्वाइन करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की डोली के साथ आते हैं। ऐसे है ना, उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा बहुत आसपास घुमा देता हूं। कल तक ये पूरा खाली था ना, आज पूरा भर चुका है भाई, यूट्यूबर इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, पर सभी के हाथ में ना कैमरा ही होता है हमेशा, श्रद्धालु यहाँ कहाँ रुकेंगे, बहुत क्या बताऊँ सारा आपको पता ही है। तो ठीक है, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की डोली आज रुकने वाली है ना, वो भी जगह दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे सभी मंदिर ना एक जैसे होते हैं, चलो भाई जाके दिखाता हूँ। और जय भाई गौरीकुंड, यहाँ पे ना गर्म पानी के स्नान वाला वो बना हुआ है, दिख रहा है ना क्या बोलते हैं बोली बनी हुई है, जब भी मतलब यात्रा करके आते हैं ना इतनी सारी पीड़ा होती है ना उस टाइम घुटनों में टांगों में, यहाँ नहाने के बाद ना सारी पीड़ा भाई गायब हो जाती है सच्ची, जब भी आप यात्रा में जाओगे ना थक जाओगे ना यहाँ पे नहाना भाई आते टाइम सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, जितने भी जोड़ों के दर्द होंगे ना सारे स्वाहा। हमारे महाराज
भाई लोग बैग रख के ना मैं हो चुका हूँ पूरा फ्री। अभी चलते हैं बाबा जी की डोली के साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, सही है ना। और आज ना बाबा श्री केदार की डोली ना यहीं पे रुकने वाली है, श्री गोरा माई मंदिर यहीं पे रुकने वाली है और सुबह ना यहीं से चलेगी भाई। एंड अभी आपको खाली दिख रहा है ना, रुको भाई एक घंटा यहाँ पे, मतलब क्या बोलूँ आप खुद ही समझ जाओगे। एंड पीछे वाली साइड चेकआउट करो भाई, साधु बाबा जी हैं। वैसे इन साधु बाबा के दर्शन भी बड़े सौभाग्य की बात है ना भाई। दिखने में ना ऐसा लगता है कि इनका जीवन ना बड़ा संघर्षपूर्ण है, बट सारे खुश हैं यार अपनी लाइफ में, दिख रहे हैं ना, चिल्लम पी रहे हैं बाबा जी। तो भाई अभी ना मैं 2 किलोमीटर नीचे जा रहा हूँ क्योंकि डोली ना बाबा जी की सोनप्रयाग पहुंच चुकी है और 2 किलोमीटर मैं कवर कर लेता हूँ, फिर डोली के साथ ना 2 किलोमीटर चलने का मौका मिलेगा। और जो मेरे बाकी वाले दोस्त है ना, अर्श भाई और भी है 3-4 ग्रुप में, वो सारे अभी ऊपर जा रहे हैं, वो ना मेरे को कल मिलेंगे और मैं जाने वाला हूँ डोली के साथ साथ भाई। सही है ना, मेरा डिसीजन सही है यार। जहाँ फिर 2 दिन पहले जाने देते, फिर मैं थोड़ा बहुत अच्छा घूम लेता, फिर से थोड़ा वापिस आता डोली के साथ चलता, बट अभी मैं क्या जाऊँगा पहले। सही है ना, डोली के साथ ही चलते हैं। चलो भाई भाई साहब यहाँ पे बैठ के ना श्री बाबा केदारनाथ की डोली का वेट कर रहा हूँ भाई। अभी भी कम से कम 3-4 किलोमीटर पीछे है और सिंगल रोड है, इसलिए मैं जाऊंगा ना गाड़ियां डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो इसलिए यहीं पे बैठ के वेट कर रहा हूँ। भाई अभी तक ना बाबा जी की डोली का वेट करते करते ना मैंने तीसरी जगह चेंज कर दिया, अभी तो गाड़ियां भी बंद हो चुकी है और मैं कम से कम 1 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ। अभी बाबा जी की डोली ना कम से कम 500 मीटर बची है भाई। एंड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई, उससे मिलो, उत्तराखंड के बहुत सारे ब्लॉगर हैं, सभी से अभी मैं मिला, बट अभी ना वीडियो नहीं बना पाया, एकदम से थोड़ा बोल पाते हैं, ऊपर जाएंगे ना सभी से मिलूंगा आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल भाई अपने भोले बाबा से मिलते हैं, सही है ना, जस्ट वेट करो आने वाले हैं पीछे। भाई साहब बाबा केदारनाथ जी की डोली के दर्शन भी हो गए और साथ चलने का ना सौभाग्य प्राप्त भी हो चुका है। और मैंने आपको बताया था ना वो गोरा माता जी का मंदिर, वहीं पे बाबा जी की डोली अभी विश्राम है और सुबह निकलेगी शायद 5-6 बजे भाई। और अभी हम जा रहे हैं वहीं पे लंगर खाने के लिए, लंगर भी तैयार हो रहा है वहाँ पे, जो भी श्रद्धालु आए ना मतलब पालकी के साथ सभी को लंगर भी मिलेगा। और जी मेरे दोस्त, मैंने बोला है ना भाई अपने पुराने दोस्त मिलते हैं यहीं पे फर्स्ट वाले दिन, बाद में तो भाई सही बताऊं ना, सच्ची दिल की बात बताऊं, पहले दिन ना देखा जाए ना यूट्यूबर ब्लॉगर शागर आए हैं, जो अच्छे मतलब सच्चे वाले श्रद्धालु हैं ना थोड़ी बाद में आएंगे, सही है ना, ये बात मानते हो? मानते भैया हम लोग यहाँ पे लंगर खाने आए ना, और यहाँ महादेव दीप आरती करा के हर हर महादेव भाई लंगर खाने तो आ गया, अभी भागने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं सच्ची भाई, कुछ ऐसी हालत है। जिसे यहाँ पे जगह मिल रही है ना वही भी छिपा हुआ है, दिख रहा है ना, पहले यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड था भाई, और अभी कुछ टाइम पहले ना लंगर चलने वाला था, देखो भाई वहाँ पे पानी चल रहा है अभी। तेरी माया, ओ रे बाबा अंत में अंत तेरी
कल तक ना ये पूरा खाली था, अभी चेकआउट करो भाई। मेरे पीछे हर जगह ना टेंट लगे हुए हैं, और बारिश होने के बाद ना, बारिश भी भाई यहाँ पे ना हैवी वाली बारिश होती है, एक बार हो चुकी है, अभी फिर से आने वाली है। और जितने भी टेंट है ना भाई, ये तो बचे हुए हैं जी, सारे डिकैथलॉन के हैं। मुझे पता था मैं वीडियो बनाऊंगा ना, आधे मेरी आवाज से पहचान लेंगे भाई। अब आवाज से पहचाना है ना? ओ माय गॉड, मैं लाइन भूल गया भैया, मैं क्या बोल रहा था भाई। लोग बोले बाबा जी के दर्शन तो मैंने करवा दिए आपको डोली के साथ, सही है ना? उस टाइम बारिश हुई ना, उस टाइम मैं था भाई डोली के आसपास ही, और उधर वाला सीन तो मैंने आपको दिखा दिया। मतलब अभी ना मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाने वाला हूँ कि श्रद्धालुओं को ना क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यात्रा में आने के बाद। मतलब थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है जब हम घर से निकलते हैं ना। यहाँ पे जितने भी होटल हैं ना, सारे भाई अभी ना फुल हो चुके हैं, श्रद्धालु भाई इतने सारे हैं, और मैक्सिमम ना टेंट लेके आए हैं जो मेरे जैसे जंग लोंडे हैं ना, जो नए नए यूट्यूबर भी बोल सकते हैं, मतलब दर्शन करने के लिए भी आए हैं, थोड़े बहुत घूमने के लिए भी आए हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे ना सभी ने टेंट लगाए हुए हैं, जो थोड़े लो बजट वाले भी होते हैं, क्योंकि टेंट में रहना ना बड़ा मज़ा आता है, कुछ ऐसा ही है, आप समझ गए ना, बस यही काफ़ी है। और यहाँ पे कम से कम ना थोड़ी सी जगह पे ना कम से कम 250-300 टेंट लगा होगा। मैं सारा आपको दिखाता हूँ। जब मैं गया था ना मंदिर के पास, मतलब लंगर खाने के लिए, हमने सोचा लंगर चालू हो रहा है, पर लंगर चालू नहीं था उस टाइम। थोड़ा टाइम लगेगा मेरे दोस्तों मुझे बताने के लिए, पर ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि श्रद्धालुओं को ना क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है कभी कभी। और भाई अभी हो चुकी है बारिश, मैक्सिमम लोगों के पास ना डीकैथलॉन वाले टेंट नहीं है, जो दिख रहे हैं ना वो सामने टेंट, उसका ये फ़ायदा होता है बारिश चाहे जितनी मर्जी हो, जो मेरे पास टेंट होता है ना आपने देखा होगा, उसके अंदर बारिश आए जितनी मर्जी हो अंदर पानी नहीं आता। पर सभी को नहीं बताया ना वो वाला टेंट लेना या नहीं लेना, क्योंकि वो आता है 2,200-2,400 रुपये का, और लोगों ने मैक्सिमम ना ये दूसरे वाले टेंट लिए हुए हैं जी, आते हैं थोड़े सस्ते भाई। पर दिक्कत यह है कि इनके अंदर ना पानी चला जाता है, तभी लोगों ने ना ऊपर से त्रिपाल से कवर करे हुए हैं। एंड यहाँ तक नज़र आ रही है ना, टेंट ही टेंट है भाई यहाँ पे ना। कल इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी जब मैं गुजरा, पर चलो बारिश होने के बाद स्मेल थोड़ी कम आ रही है, पर तब भी गंदा उतना ही है भाई। चलो अभी मैं ना आपको सारे टेंट दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे लोगों ने, मतलब श्रद्धालु अभी रुके हुए हैं, मतलब रात गुजारने वाले हैं, कुछ ऐसा ही है। चलो भाई मैं ना आपको पूरा दिखाता हूँ। फिलहाल कुछ तो भाई अपने टेंट लगाने के लिए जगह बना रहे हैं। सबसे पहले ना मैं आपको भोले बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ। एक भाई जी ना, मतलब हरिद्वार से ना भोले बाबा जी को अपने कंधे पे उठा के लेके आए हैं। जय हो शंभुनाथ, मैंने भी कल दर्शन करे थे भगवान शिव के, सही है ना। एंड ये देखो भाई, चारों तरफ से ना भाई ने कवर कर दिया, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर अंदर पानी चला गया ना तो पूरी रात माँ कसम ऐसे कम कम ही होती रहनी है। दिख रहा है ना, जिसको जैसा जुगाड़ दिख रहा है ना वैसा लगाया जा रहा है। चलो मैं अभी ना आपको टेंट दिखाता हूँ, सही है ना। जुगाड़ चार्ट आप खुद ही देखते रहना, मैं आपको टेंट दिखाता हूँ। हाँ जी भाई जी, जी आपका है, पानी गया अंदर? बच गया है ना, सही है। दिख रहा है ना यहाँ तक नजर आ रही है भाई, टेंट ही टेंट है ना। अब इस वाली साइड चेकआउट करो भाई, ये तो खतरे वाली निशानी है, पानी ज्यादा आ गया ना सारे टेंट निकल जाने हैं भाई, ध्यान से रहना ठीक है। ये देखो भाई, जहाँ पे जिसको जगह मिली है ना वहीं पे टेंट लगा रखे हैं, पर यहाँ पे नींद नहीं आई भाई, डर पता नहीं, पर स्मेल तगड़ी वाली आ रही है ना, आ रही है, और कुछ टाइम के बाद मर जाएगी, ऐसा ही होता है इंसान के साथ। चलो मैं अभी आप टेंट देख के आता हूँ ठीक है, आगे वाली साइड क्या चल रहा है ठीक है, अब इधर ही रुको। चलो भाई मैं ना आपको अभी टेंट सिटी दिखाता हूँ, और यहाँ पे चल रहा है भाई साधु बाबा जी का, अभी चाय वाला टाइम हो चुका है शायद। मैंने बोला है ना साधु बाबा जी को ना इतनी परेशानी फेस करनी पड़ती है, फिर भी बट इनके चेहरे पे ना मुस्कान होती है, सही है ना बाबा जी। जय शंभुनाथ। चलो भाई अभी मैं आपको टेंट सिटी दिखाता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे किसी को जगह मिल रही है ना वहीं पे लगाए जा रहे हैं भाई, इवन कि बिल्कुल नदी के किनारे, अगर पानी ज़्यादा आया ना तो भाई अपने साथ लेके चला जाएगा। और ये देखो यहाँ भी कम से कम 30-40 टेंट लगे होंगे, यहाँ तक नज़र आ रही है ना उस वाली साइड। अभी मैं आगे ना और दिखाता हूँ आपको। भाई और भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, बट इतनी देख के आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा टेंट लगे हुए हैं, और भी यहाँ तक लाइन्स आ रही है ना, टेंट ही टेंट लगे हैं, मतलब वो सामने दिख रहे हैं ना वहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है टेंट लगाने वालों की। ये जो मैंने आपको दिखाई है ना, जी है भाई आज की गोरीकुंड की कैंपिंग सिटी बोल सकते हो, यहाँ पे इतने सारे टेंट लगे हैं ना, टेंट सिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे टेंट वाले श्रद्धालुओं को जगह मिली है ना वहीं पे टेंट लगा दिया है,
मतलब कभी कभी इन्हीं परेशानी भी फेस करनी पड़ती है भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जब आपका बजट लो। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कम से कम 90% लोग ना ऊपर चले गए बाबा जी के धाम, एंड कल ये सारे ऊपर चले जाएंगे टेंट वाले। वहाँ पे कम से कम ना 500-600 टेंट होगा भाई, वो तो कल देखा जाएगा। फिलहाल ना मैं जैकेट पहन लेता हूँ क्योंकि बारिश ना मेरे ऊपर भी हुई है, जैकेट पहन लेता हूँ, ऐसा ना हो कि बुखार हो जाए, फिर बाबा जी की डोली के साथ भी चलना है, ऐसे है ना। और उसके बाद चलते हैं लंगर खाने के लिए, लंगर भी बन चुका होगा। चलो भाई